हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू चल रहा है और 30 अक्टूबर के डेट में जो कि इंटरव्यू हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। ये देखिए क्वेश्चन शायद एक बार और पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा नहीं, ये 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका उसमें का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। इसलिए जितने भी वीडियो मैंने अब तक डाले हुए हैं वो सारे वीडियो ज़रूर देखिए। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ था उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर आप देख लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध मूल्य विधि किसे कहते हैं? तो शुद्ध मूल्य विधि किसे कहते हैं? यदि क्रय प्रतिफल की गणना किए गए विभिन्न भुगतानों के योग के द्वारा की जाती है तो इस विधि को शुद्ध मूल्य विधि कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसमें देखिए जो है वो वाष्पीकरण विधि के कारण जल ठंडा रहता है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो सिर्फ PDF के लिए ही मैसेज करेंगे कि सर मुझे PDF चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे तब आपको PDF मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा खर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो पूछा गया अगला क्वेश्चन वो है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है वो किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है कार्नालाइट के माध्यम से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री का पद भारत संविधान द्वारा गठित किया गया है। और आप लोग साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलता है, तो इसलिए ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। इसके बाद देखिए अगला पूछा गया है, प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी फेयोल है, ये प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता है। ये भी शायद क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन पर आप लोग एक ही वीडियो पर डिपेंड मत रहिए, सारे वीडियो ज़रूर देखिए, तो मैं यही कहूँगा जिससे आप लोग का ज़्यादा ही फायदा होगा। और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने उसे अपने वीडियो में नहीं लिया है, तो वो सब वीडियो क्वेश्चन आपको ज़्यादा मतलब कि लाभकारी आपके लिए साबित होगा, तो इसलिए आप लोग पिछला वीडियो या पहले का वीडियो ज़रूर देखते रहें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसमें देखिए अगला पूछा गया है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए पूछा गया है अगला क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी फाइल को सेव करते हैं? तो किस कमांड की सहायता से किसी फाइल को सेव करते हैं? तो कंट्रोल एस
कमांड है जो कंट्रोल प्लस यस, इसके माध्यम से हम फाइल को सेव करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वो, शॉर्टकट की के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर में लाया जा सकता है। तो वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से पैराग्राफ को बीच में सेंटर पर लाया जाता है? तो वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई के माध्यम से हम जो पैराग्राफ होता है वो बीच में यहाँ पर सेंटर पर लाया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, यमुना एक्सप्रेसवे किस किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये देखिए जो उधर के आगरा साइड के जो लोग हैं वो उधर से ये इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उन लोगों से पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा, ये जिलों से होकर गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसकी है 165.537 किलोमीटर लंबाई यह है, और जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, और ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो ये सब को यहाँ पर मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन और आपके बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में शुरू हुई थी। इसके बाद देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूँ किस फसल के अंतर्गत आती है? तो गेहूँ रबी की फसल के अंतर्गत आती है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 16वां, यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से चौथा, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम बताओ। तो यहाँ राज्यपाल जितने भी हैं, आप लोग राज्यपाल के नाम याद कर लीजिए जितने भी राज्य हैं, क्योंकि लगभग डेली राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये राज्यपाल कहाँ के हैं, वो राज्यपाल कहाँ के हैं। तो सतपाल मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है, 100 किसका वर्ग है? तो 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। और इसके बाद पूछा गया, आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो वो आप जिस भी जिले में रहते हैं वहाँ का ब्लॉक आपको बताना है कि आप किस जिले के में रहते हैं, वहाँ पर कितने ब्लॉक हैं। ये तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद अगला पूछा गया, 8 का 3 बार आपस में गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो 8 का 3 बार गुणा करते हैं, 8 × 8 तो 512 इसका आ जाएगा आंसर। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करके बताएं, और साथ ही साथ जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।